आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के ग्राम पतसाल का पीड़ित परिवार आगरा से पलायन करने को मजबूर है। थाना स्तर पर पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई न होने के चलते परिवार आला अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र ग्राम पतसाल का पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। वहीं न्याय न मिलने पर पीड़ित परिवार ने आगरा से पलायन करने की मन में ठान ली है। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव के दबंग लोग अनिल कुमार पुत्र हरिशंकर ने घर में घुसकर गंदी नियत से पीड़िता को दबोचने की कोशिश की थी। मामले की शिकायत थाना फतेहपुर सीकरी व उच्च अधिकारियों को कई बार की जा चुकी है, लेकिन परिवार को अब तक कोई न्याय नहीं मिल सका है। सर, मेरी FIR आज तक नहीं लिखी गयी। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मेरे 452-354 का केस था 13 फरवरी को, आज तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई। तो क्या मतलब कौन लोग थे, क्या झगड़ा? मेरे पड़ोस में रहने वाले अनिल कुमार, उनके पिताजी का नाम था हरिशंकर, निवासी पत्साल फतेहपुर सीकरी थाना पड़ता है जी। तो क्या घटना हुई थी आपके साथ? मेरे असफल प्रयास जो बलात्कार का किया था मेरी बीवी के साथ, तो उसका मुकदमा दर्ज था। आज तक वो दबाव बना रहे हैं, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मुकदमा दर्ज हुआ आपका? 13 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ था, पहले वाला गिरफ्तारी नहीं हुई। तो अब वो लोग आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं? हाँ जी। ये कहते हैं कि दादी ना वो, और उनसे कोई क्या रंजिश रही है, मतलब कोई रंजिश थी आपकी? कोई रंजिश नहीं सर। कौन लोग हैं वो? वो हमारे पड़ोसी अनिल कुमार लोधी हैं। तो इस मामले में कोई शिकायत आपकी उच्च अधिकारी से की गई हो आपके द्वारा? मैंने सर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जी के लिए शिकायत की है, उनके लिए दिया है, महिला आयोग में भी दिया है, और IG के साथ दिया है, रेड जोन साहब जो है जो। तो क्या कोई आश्वासन क्या मिला आपको? ये करा देंगे, ये कहते हैं कि लूट का ये 5 तारीख को हमारे साथ वारदात हुई है, मेडिकल भी हुआ उस घटना का, 6 लोगों का मेडिकल भी हुआ है। तो अब आप चाहते हैं कि आपके इसमें कार्रवाई हो और मेरी FIR लिखाई जाए। प्रार्थी प्रमिला देवी ने बताया कि पुलिस मामले की कोई सुनवाई नहीं कर रही। वहीं पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज होने पर आरोपियों द्वारा पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है, और समझौता न करने पर परिवार से मारपीट की जा रही है। अभी हाल ही में दबंग लोगों द्वारा घर में घुसकर समझौते का दबाव बनाया गया, वहीं चचे असाद के साथ मारपीट भी की गई। कान में पहले कुंडल को भी खींच लिया गया, इस दौरान उनके कान में गंभीर चोट आई है। 13 तारीख को मतलब हमारे साथ असफल प्रयास रहे रेप का, तो हमने मतलब रिपोर्ट लिखाई मुश्किल। हाँ, तो 2 दिन बाद हमारी रिपोर्ट दर्ज की है, मुकदमा चल रहा है। अब वो लोग मतलब ये कह रहे हैं कि राजीनामा करो, इसलिए तो रोजाना धमकी देते हैं हमारे घर पे आके। 5 तारीख को हमारे घर पे आके हमला कर दिया सब लोगों ने, मतलब उनकी बहनें थी और उनके सब बहुत बड़ा परिवार है उनका। हमारे रंजिश है क्या है? रंजिश तो कोई नहीं है हमारी, मतलब पता नहीं है क्या चाहते हैं क्या नहीं। राजीनामा के लिए धमकी देते हैं हर दिन, ऐसा दिन नहीं है जिस दिन धमकी। तो संबंध में कोई शिकायत आपकी की गई है थाना स्तर पर या उच्च अधिकारी? हाँ, सब सभी जगह की गई है। अब आप क्या चाह रहे हैं? हमें ये FIR। परिवार का कहना है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके चलते न्याय न मिलने पर पीड़ित परिवार पलायन के लिए मजबूर हो गया है। आज भी पीड़ित परिवार द्वारा IG कार्यालय पर पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत IG कार्यालय पर दी गई है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।